मंदिर परिसर है सारा, ये अन्नपूर्णा माता का हुआ है। तो भाई आ गए हम पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने। ये मंदिर है, अभी हम यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा के आए हैं और अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर का रास्ता है ये रास्ता मंदिर के लिए जाता है सीधा। सोनू अंकल आ गए। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं पशुपतिनाथ, नेपाल पहुंच चुके हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पहले से ही पहुंचे हुए हैं और मैं नरेंद्र, अमर सिंह और देवी जी हमारे साथ हम चल रहे हैं। और इसको मौसम बहुत अच्छा है, ठंड हो रही है, अभी हमने जैकेट पहनी है, कल तो ठंड नहीं थी, आज ठंड हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है, हवा चल रही है, आज थोड़े बादल भी आए हुए हैं ना, ट्रैफिक के कारण हम थोड़े लेट हो गए, पर हमने बहुत बढ़िया लंच करा। डिनर से पहले मार्केट घूमने जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या काठमांडू में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ लोगों का ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छा है, लेन ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक की कोई वायलेशन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मुस्तैदी से काम करती है। और अभी हम पशुपतिनाथ के प्रांगण में चल रहे हैं। सिस्टम बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ पे अगर कोई लाइन में चल रहा है तो आपको उसी लाइन में चलना होगा। अगर आप लेफ्ट लाइन में आ गए और आपको मेन लाइन में जैसे कि सीधे चल रहे हो आप सीधे जाना है और राइट जाना है तो आपको राइट ही रखना होगा, चाहे कितनी लंबी लाइन हो और कितना भी कुछ। अभी हमसे गलती हो गई थी, हमें लेफ्ट लेना, फिर हमें लेफ्ट लेके फिर पूरा घूम के आना पड़ा हमें, फिर पर अब ठीक है। तो यहाँ साफ सुथरा है सब कुछ, बहुत साफ सफाई है। और भाई मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा है, हमारे यहाँ देख सकते हैं कि खूबसूरती से चीज़ों को बनाया गया है, साफ सुथरा रखा गया है। और अभी तो यहाँ डेवलपमेंट का काफ़ी काम चल रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं लोग लाल टोपी पहने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं बटालियन आई है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोगों ने लाल टोपी पहनी है जो यहाँ दर्शन करने हैं। आप सभी का नरेंद्र जी के चैनल में हार्दिक स्वागत है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो दी कमिंग अपडेट्स जो हम करते रहेंगे। दो बंदे तेजी में जो आगे जा रहे हैं, ये हमेशा लेट होते रहते हैं। हमने एक का सफेद घोड़ा, एक का काले घोड़ा नाम रख दिया है। पर मुझे लगा अरबी घोड़े की तरह टेढ़े चल रहे हैं, बिजोंगल की तरह लाइन में टाउट सी लग रही है, कुछ सेट हो जाएगी ना, इनका रंदा पता हम कराना पड़ेगा। अभी जाएंगे हम, 6 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी। जैसे कोई पाइप टेढ़ा हो जाता है ना और दुहार पे उसको सही कराने जाते हैं, हाँ ऐसे ही हम इन्हें ले जाएंगे अब, इनकी कायरोप्रैक्टिक कराएंगे। ये देखो भाई मंदिर ये शुरू हो गए, ये यहाँ पे मोक्ष धाम है, ये अलग अलग भवन में अलग अलग डिज़ाइन मिलेगा, किसी पे त्रिशूल है, किसी पे नाग देवता है, इनकी कुंडलियों को देखें तो अलग अलग तरीके से बनाया है, ये कितना प्राचीन है। हिंदू सभ्यता को दर्शाते हुए आप देख सकते हैं, ये मंदिर का रास्ता है जहाँ से हम होते हुए जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम मंदिर के पास होंगे और फिर हम आप सभी को बाबा के दर्शन कराएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। अभी तक का सफ़र बड़ा अच्छा रहा है, बहुत इंजॉय भी हमने किया है, आराम भी बहुत किया है। यहाँ का जो स्टेपल फूड है ना आज हम वो खाएंगे मोमोज। कौन लेके गया? कालू, कालू प्रसाद लेके गया दिल्ली से, ठीक है वो फ्रॉड है। दुकान तुम्हारी दुकान
ये दीदी कह रही है कि हमारे साथ जो आए हैं भाई हमारे, वो यहाँ से प्रसाद लेके गए, तो आप भी यहीं से प्रसाद लेके जाओ, ऐसे है दीदी? ठीक है। शूज, हाँ भाई देखो वो शूज भी रिमूव करके गए हैं यहीं पे। भाई भाई सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो भाई अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे और फिर हम आगे की ओर जाएंगे। A few seconds later, हमने अपने शूज रिमूव कर दिए, यहाँ जूता उतार दिए हैं, अब हम यहाँ हैंड वॉश करेंगे। और ये देखो, और अब हम इनसे प्रसाद लेंगे, यहाँ से प्रसाद देंगे। ये दीदी, आपका नाम क्या है? सोमिना। ये हमारी बहन सोमिना नाम है इनका। हाँ। इनका प्रसाद है, हम प्रसाद लेके जाएंगे अभी यहाँ से, प्रसाद लेंगे अब यहाँ से। कैसे क्या करना है इनका, थोड़ा समझाएं। अगर लेके जाना है आपको, तो देना है ये सब आपको, देना है खुद चढ़ा देगा, आपको देना देगा, कपड़ा आपके नाम से चढ़ा देगा, पैसा क्या देना है, टॉस करके दीजिए बोलना। नारियल का जल भैरव में चढ़ता है, दीपक आपने हाथ से जलाना, ठीक है? वहाँ दीपक हम जाना, ठीक है? तो अब हम वहाँ जाके अंदर पूजा करते हैं, ठीक है? आते हैं फिर हम अभी। ये कह रहे हैं के अंदर अगर आपको पूजा करानी है या करनी है, तो उसके लिए पंडित जी वगैरह से या फिर यहाँ का जो कोई स्टाफ हो या कोई पुलिस वाला हो, उससे हमें बात करनी होगी, फिर वो हमें यहाँ पे अच्छे से पूजा कराएंगे, दर्शन कराएंगे। अरे बाबा ने करा लिया, ठीक है बाबा के दर्शन भाई, बहुत अच्छी जगह है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज हम बाबा के दर्शन करेंगे, अपने भोले बाबा के, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ आए हैं, और पूजा करेंगे। बाबा सभी के घर में सुख शांति दें, सब खुश रहें, हैप्पी हैप्पी। जय भोले बाबा, जय दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। ये मंदिर से एंट्री करी हमने, और ये यहीं पे स्टार्टिंग है भोले बाबा। जय बाबा। ये मंदिर परिसर है, आइए देखो कितना सुंदर है। अच्छा, ये जो काठमांडू है ना, ये पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे 12 महीने जो टेम्परेचर है, अभी तो सर्दी है, पर हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ का 30 डिग्री होता है, उसके बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता ही नहीं है कभी भी। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, सुकून भी बहुत ही मिल रहा है भाई। ये बाबा का मंदिर है, यहीं से एंट्री करेंगे ना। पूजा कराएंगे बाबा की, अंदर फोन अलाउ नहीं है, तो हम फोन यहीं छोड़ के जाएंगे। और देखेंगे, यहाँ फोन अलाउ नहीं है, पर फिर भी हम किसी तरीके से कैसे करके वीडियो बना रहे हैं। ये बाबा का दरबार का गेट है, सभी भाई यहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं, और जो मांगना है वो मांग लें, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे मेरे भोले बाबा, और सबके घरों में सुख शांति देंगे। हम लाइन में लगे हुए हैं बाबा के, हम लाइन में लगे हुए हैं, और ये बाबा का गेट है। यहाँ के चार गेट हैं, अभी फ़िलहाल एक ही गेट खुला हुआ है जहाँ से हम एंट्री करेंगे, और वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। ये देखो, जय बाबा की, जय मेरे भोलेनाथ। ये मंदिर परिसर है सारा, ये अन्नपूर्णा माता का हुआ है ये मंदिर की परिक्रमा है, जहाँ खड़े हुए हैं, और बस सब कुछ ही देर में हमारा नंबर आने वाला है।
और फिर हम आप सबको यहाँ के दर्शन कराएंगे। भाई हाथ जोड़ लो इनसे, बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि यहाँ फोन अलाउ नहीं है, इसलिए अब मैं फ़ोन को जेब में रख रहा हूँ और सभी लोग हाथ जोड़ने लगे साथ साथ। जय बाबा की, ये आ गई मैं एंट्रेंस बाबा की। जय नंदी जी हैं, जय नंदी बाबा। A few inches later, बाबा के दर्शन करके आ गए हैं और प्रसाद भी चढ़ाया है, प्रसाद ले चढ़ाया है, प्रसाद भी आया घर के लिए, भागों के लिए, बच्चों के हाथों के लिए, सबके लिए। हम 5:45 बजे बाहर आ गए बाबा के दर्शन करके। आरती के बाद हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, किस्मत वालों के ऐसे दर्शन होते हैं जो हमारे दर्शन हुए। पाठ खुलते सबसे पहले हम गए थे, हमें पहले ही बता दिया गया था वहाँ रुकने के लिए। आरती खत्म हुई, हमने बाबा के आराम से दर्शन करे बिना किसी भीड़ के, और हम उसके बाद और भी छोटे छोटे जो वहाँ पे बने उम्र होकर आए हैं सबका, हमने शक्तिपीठ, बजरंग बली बाबा, भैरव बाबा, गणेश जी महाराज, भैरव बाबा, हमने सभी के दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन। बड़ी बात जो हमें दर्शन हुए वो बिल्कुल आरती के समय पे बिना भीड़ के हुए, ऐसे दर्शन हमने सोचा नहीं था हमारे ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है, इनका माहौल बहुत अच्छा है, सभी के दर्शन हो गए और एक साथ हो गए। भाई हम लोग केदारनाथ गए थे तो बताया जाता है जैसे कि पांडवों ने तपस्या की थी, और जब उन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया था और तब शिव जी ने अपना एक बैल का रूप रखा था, जिसमें कि आधे तो वो केदारनाथ जी में थे और आधा उनका जो नंदी वाला जो रूप का जो फेस था वो इधर निकला था पशुपतिनाथ में, तो इसीलिए यहाँ का पशुपतिनाथ कहते हैं कि जो शिवजी श्रद्धा से इनकी पूजा करता है वो पशु योनि से मुक्त हो जाता है। तो भाई ये यहाँ की मान्यता है और ये यहाँ का प्यार है, और हम बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं और सभी के लिए मैंने प्रे किया, सबके लिए दुआ मांगी है, बाबा से बोला है, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है सबके भगवान, सबके प्रभु, सबके घर में सुख शांति दे, सब खुश रहें, अच्छे से रहें, भगवान सबको खूब तरक्की दे, बाबा भोले बाबा सबको 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 खुश रखें। जय बाबा भोलेनाथ। ये देखो ये मंदिर परिसर, बोलो बोलो बाबा की जय, बोल बम बोल बम। तो भाई हो गए हमारे दर्शन, जय भोले, जय भोले बाबा। अब ये हम अपने भोले बाबा पशुपति महाराज के दर्शन करके आए हैं, बहुत ही वीआईपी, बहुत ही अच्छे, बड़े सुकून वाले दर्शन हुए, आरती हमने ली है, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मन प्रसन्न हो गया। आप भी अंकल ने तो कर लिए दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन, प्यारे दर्शन हुए बाबा के, मजा आ गया, इतने अच्छे दर्शन हुए ना, और चारों कपाट खुले, दिल खुश हो गया, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई धक्का नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इतने आसानी से, इतने आराम से, लोग बहुत अच्छे हैं आगे। दो लड़कियां थी बेचारी जिन्होंने हमें प्रसाद दिया, हमारे जूते वगैरह यहीं पर जमा कर लिए थे उन्होंने अपने पास ही मंदिर के यहीं पर कोने पर, और फिर हम अंदर गए और बहुत आराम से हमने दर्शन करें। अंदर फोटो वीडियो कुछ भी अलाउ नहीं है, अगर आप फोटो खींचते वीडियो खींचते हुए पकड़े जाते हैं तो वो आपके फ़ोन को छीन के दान पेटी में डाल देंगे, और उसकी कोई वो नहीं है फिर, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पहले से ही, इसलिए हमने भी जो है बस कैसे कैसे क्या करा वो हमें ही पता है। अंदर हमने फोटोज़ ली नहीं, हाँ कल के साथ ना बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र का। सिद्धार्थ भाई भी हमारे यहीं साथ में, और हमारे सोनू भाई भी हमारे साथ ही हैं, ये रहे कुछ लोग प्रसाद लेने गए हैं, मैं उनको देख कर आ रहा हूँ।